जी अमन प्रताप सिंह नाम है हमारा, क्लास 12 लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक सिटी, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक सिटी, लेक्चर 1 है। चलिए इसको हम इलेक्ट्रिक करेंट एंड सर्किट के नाम से जानते हैं। लेक्चर नंबर 1 क्लास, जैसे पहले हमने पढ़ा चुका है, पहले हमने बता दिया है कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट, बोले तो जिससे चार्ज का फ्लो हो वो कंडक्टर होता है, जिससे चार्ज का फ्लो ना हो उसको इंसुलेटर कहते हैं। तो हमको कंडक्टर पता हो गया कि यानी जिससे चार्ज का फ्लो होता होगा। तो जैसे ये कंडक्टर है, तो इससे फ्लो किसका होता होगा? जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते होंगे यहां से, यानी किसी सोर्स से इसको कनेक्ट करते होंगे, बैटरी से, तो क्लास क्या होता होगा इसमें, इस कंडक्टर के अंदर क्या होता होगा? इस कंडक्टर में दो फ्लो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का, मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दो फ्लो होता है इसके अंदर। तो किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है इस तरफ, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट के नाम से जानते हैं। कौन सा करंट? इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किधर से किधर होगा? निगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक करंट है, तो ये जो कन्वेंशनल करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट है, कन्वेंशनल करंट, इसका डायरेक्शन किधर होता है? तो पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन, यानी कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन जो होता है वो होता है पॉजिटिव से निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का जो होता है फ्लो वो निगेटिव टू पॉजिटिव। तो बिल्कुल विपरीत होता है, जैसे इधर हुआ ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट का फ्लो इस तरफ हो रहा है तो कन्वेंशनल करंट का फ्लो जो होगा इस तरफ होगा, विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट निगेटिव टू पॉजिटिव, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू निगेटिव। चलिए यह बात तो समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी सेक्शन कंडक्टर का। जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग जहां से कंडक्टर बनता है, ये जैसे कोई भी तार, जैसे ये ही तार है, तो तार का ये वाला भाग दिख रहा है, ये वायर है, ऐसे देखो आप, इसका ये वाला भाग देखो, यही यही सेक्शन है। तो किसी भी सेक्शन से इसका एरिया होता है, इसका एरिया होता है, अगर ये सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है। तो किसी भी सेक्शन से जो चार्ज का रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, उसको हम लोग कहते हैं, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी सेक्शन, क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन यही आपका निकल करके आया कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी सेक्शन। बहुत सुंदर। यानी आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, चार्ज पर यूनिट टाइम किसी भी कंडक्टर से फ्लो होगा उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके यूनिट का बात कर लेते हैं।
फॉर्मूला, तो ये आई बराबर क्यू बाई टी हो गया। इसी फॉर्मूले को क्लास अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में अगर हम चाहें कि यह नंबर ऑफ टर्म्स इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में आ जाए, तो पहले चैप्टर से जो हम लोग पढ़े थे उसमें पढ़े थे चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता था कि क्यू के जगह पर आप एन ई का यूज कीजिए, तो एन ई अपॉन टी हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा एन ई अपॉन टी। तो अगर कभी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देता है तो आप n इज इक्वल टू कैसे निकाल सकते हो, यहां से आई टी अपॉन ई, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यूनिट का बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तो आई का चार्ज, ऊपर चार्ज है क्यू मतलब चार्ज, इसका होता है कूलम्ब और टाइम का होता है सेकेंड, तो ये क्या हुआ कूलम पर सेकेंड है, कूलम पर सेकेंड, जिसको सी अपॉन एस कह सकते हैं, या कूलम पर सेकेंड को आप एम्पियर भी कह सकते हैं, एम्पियर ए एम पी ई आर, एम्पियर डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो ये रहा इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी सेक्शन, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, आई और क्यू के जगह हम एन ई रख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एक इंटीजर इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम, तो आई बराबर एन ई बाई टी हुआ। अगर हम एन निकालना चाहें तो एन बराबर हो जाएगा आई टी अपॉन ई। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बात कर ले तो कूलम पर सेकेंड होता है, कूलम पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर कहते हैं, एम्पियर इसके इन्वेंटर के नाम पर दिया गया, राइट right? तो ये रहा इलेक्ट्रिक करंट। अब ऐसा यूनिट तो करंट का हम समझ गए कि एम्पियर होता है, अब जान लेते हैं कि एम्पियर होता क्या है, एक एम्पियर किसको कहेंगे, क्या होता है वन एम्पियर, एक एम्पियर किसको कहते हैं वन ए। तो जैसे अगर यह कंडक्टर है, क्लास इस कंडक्टर के किसी भी सेक्शन से थ्रू एनी सेक्शन कहीं से भी एक सेकेंड में, एक सेकेंड में एक कूलम्ब चार्ज फ्लो करेगा, एक सेकेंड में एक कूलम्ब चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से, किसी भी सेक्शन से, तो वन एम्पियर करंट प्रोड्यूस होगा। क्लियर क्लास, तो वन एम्पियर क्या होगा, तो इफ वन कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू, फ्लोज थ्रू एनी सेक्शन, एनी सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर एवरी सेकेंड कॉल्ड वन एम्पियर करंट। अगर एक कूलम्ब चार्ज कंडक्टर के किसी भी सेक्शन से प्रति सेकेंड फ्लो कर रहा है, जैसे ये मार्कर है, एक सेकेंड में एक कूलम चार्ज प्रोड्यूस फ्लो कर गया एवरी सेकेंड, मतलब प्रत्येक सेकेंड में, एवरी सेकेंड हर एक सेकेंड में एक कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, एक कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, एक कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो कैसे लिखा जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, एक कूलम चार्ज कितना सेकेंड में पास कर रहा है, एक सेकेंड, तो एक कूलम चार्ज एक सेकेंड में प्रोड्यूस कर रहा है,
तो कितना हो जाएगा कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को क्या कहते हैं, एम्पियर। तो 1 एम्पियर करेंट हो गया, तो करंट कितना हुआ 1 एम्पियर। यानी किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, पास कर रहा है, तो उस करंट को कहते हैं हम 1 एम्पियर करंट। क्लियर हो गया बात? चलिए बहुत सुंदर। अब आइए जानते हैं यहां से बहुत ही खूबसूरत टॉपिक। टॉपिक क्या है? लाजवाब। टॉपिक है बेमिसाल, बेहतरीन कह सकते हैं इसको। नाम है OHM's लॉ, मतलब ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू अ कंडक्टर flows through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. It states that the electric current flows through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. Other factors, बाकी जो भी फैक्टर्स होंगे, टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट कंडक्टर के, ये सारी चीज, तो अदर फैक्टर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो जैसे ये कंडक्टर है, इसका टेम्परेचर भी फिक्स है, फिजिकल स्टेट भी कंडक्टर का यही रहेगा, कोई एक्सपेंशन कोई कंट्रैक्शन इसमें नहीं हो रहा है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो करंट का फ्लो होगा इसमें, जो करंट का फ्लो होगा, आई का जो फ्लो होगा इस करंट में, इस कंडक्टर में जो आई का फ्लो होगा, दोनों इंड है ये कंडक्टर का, एक इंड ये है एक इंड ये है, तो दोनों इंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और ये करंट होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। यानी करंट का फ्लो जितना ज्यादा हम बढ़ाएंगे भी उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा, तो भी प्रोपोर्शनल हो गया आई के, तो भी यहां से प्रोपोर्शनल हुआ आई के। यही है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ का ये स्टेटमेंट है। हाँ, ये हर जगह वैलिड नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों को लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ भी पढ़ना है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। इन फिलहाल जान लीजिए ये ओम्स लॉ का मात्र स्टेटमेंट है, जो कहता है कि किसी भी कंडक्टर से जो करंट का फ्लो होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड के। मतलब दोनों एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट। यानी करंट अगर इंक्रीज करता है तो पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा, यानी भी प्रोपोर्शनल होता है आई के। तो जब भी प्रोपोर्शनल हो गया आई के, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू यहां से आई आर आ जाएगा। आर जो हुआ यहां पर, ये हुआ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये आर हुआ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इस आर को आप रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, आर से रेजिस्टेंस होता है, आर फॉर रेजिस्टेंस। अब आइए जानते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है, एक्चुअली में रेजिस्टेंस क्या है, आइए समझते हैं इसको। तो रेजिस्टेंस को समझना है, इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके डन। आर फॉर रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को जानते हैं, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है बाधा, रुकावट। स्टूडेंट लाइफ में ना बहुत सारा रेजिस्टेंस आता है, बहुत सारा रुकावट आता है। जब आप पढ़ने बैठते हैं, पढ़ने का मन नहीं लगता है, बहुत सारी विकृतियां दिमाग में आती है, बहुत तरह की बात आती है, तो वो है रेजिस्टेंस। जो आपका आपका काम ना करने दे, वो है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस सिंपली एक बाधा है।
तो इलेक्ट्रिक करंट को कहां से रेजिस्टेंस मिल रहा है बताते हैं। हर एक कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, हर एक कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होगा, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच रेसिस्ट मतलब बाधित करना, रोकना, पूर्णता नहीं रोकना, बाधित करना, विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करेंट। तो फ्लो ऑफ करेंट को जो बाधित करता है, रोक देता है, उसको क्लास कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, वही है रेजिस्टेंस। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करेंट। तो अभी अभी हम लोग जाने हैं कि भी बराबर आई आर हो रहा था ओम्स लॉ से, यहां है रेजिस्टेंस, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर इधर रखिएगा तो आई यहां भी के नीचे आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा भी अपॉन आई। यानी रेजिस्टेंस का एक और डेफिनेशन हो सकता है कि इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स टू द करेंट फ्लोज थ्रू इट। यानी रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो है, आर इज इक्वल टू वी बाई, इट इज द रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स टू द करंट फ्लोज थ्रू इट। यानी किसी कंडक्टर में जो ये दोनों एंड का पोटेंशियल डेवलप होगा जितना करंट के फ्लो होने पर, मतलब जितना करंट के फ्लो होने पे ये भी डेवलप करेगा, इसी भी और आई के रेशियो को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, और यही कंडक्टर के रेजिस्टेंस को देगा। अब इसका यूनिट जान लेते हैं, यूनिट क्या होगा, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, आर इज इक्वल टू है भी यानी वोल्ट, और नीचे है आई यानी एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर हुआ, यानी वोल्ट पर एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को क्लास ओ एच एम ओम भी कहते हैं, जिसका सिंबल होता है ये मेगा, इसको ओम कहते हैं। तो दिस इज सो फार रेजिस्टेंस। नाउ क्लास वी आर गोइंग टू जस्ट हैव सम इंट्रैक्शन विद द डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, बताते हैं इसको हम, रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करता है, किन बातों पर डिपेंड करता है। तो महत्वपूर्ण दो बातें इसमें जो आती हैं, वो पहला आता है कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है। तो हैशटैग डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, चाहत बहुत थे जानने की जान न पाया, जो चला पढ़ने को तो दिमाग में बहुत तरह का बात आया। आइए डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस को जानते हैं। इसमें पहला है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस में पहला होता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, यानी आर प्रोपोर्शनल होता है एल के, आर प्रोपोर्शनल होता है एल के, यानी क्लास की लेंथ इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, लेंथ अगर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, लेंथ अगर घटता है क्लास लेंथ डिक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ध्यान रखिएगा इस बात को, रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है
मतलब लेंथ अगर बढ़ रहा है रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटता है रेजिस्टेंस भी घट जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। तो अगर कोई वायर है, इसका लेंथ है 2 मीटर, या इसका लेंथ वायर का मान लीजिए एल, इसका रेजिस्टेंस है R1, और दूसरा वायर है जिसका लेंथ है 2L और इसका रेजिस्टेंस है R2, तो क्लास हमको कंपेयर करना है R1 और R2 में, बड़ा कौन होगा, कौन होगा बड़ा, लेंथ R1, लेंथ को दोगुना कर दिए, रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अभी अभी क्लास पढ़े हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो यहां लेंथ बढ़ रहा है, दोगुना हो जा रहा है, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, यानी R2 ग्रेटर होगा R1 से, ध्यान रखिएगा R2 ग्रेटर हो जाएगा R1 से, क्योंकि लेंथ बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब आइए कौन सा फैक्टर है जो बताएगा कि कैसे बढ़ता है, ये कैसे बढ़ता है उसको जान लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये लेंथ L1 है तो रेजिस्टेंस R1 है, लेंथ L2 हो गया तो रेजिस्टेंस R2 हो गया। क्लास ये L1 है, R1 है, L2 है, R2 है। अब आइए इसके रिलेशन को हम जानते हैं कि ये कैसे इंक्रीज करता है। तो क्लास हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हमको इसके इस दोनों के बीच में रिलेशन पता करना है तो हमको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, R1/R2 बराबर L1² / L2² यही फॉर्मूला है जो हमको रेजिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज में कैसे देगा। तो चलिए एक क्वेश्चन है कि इफ दी लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड, दोगुना हो गया, लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड, लेंथ दोगुना हो गया, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सॉल्यूशन में आइए क्लास, देखते हैं क्या होगा। मेरे बच्चों लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड, तो पहले लेंथ मान लीजिए L1 का वैल्यू L रहा होगा, बाद में लेंथ हो गया डबल्ड, तो L2 का वैल्यू जो आया होगा वो डबल्ड हो गया, तो 2L हो गया। तो जब इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड, लेंथ डबल्ड हुआ है, तो जब लेंथ L था तो रेजिस्टेंस R था, R1 बराबर, पहले केस में जब लेंथ L था, L1 का वैल्यू जब L था तो रेजिस्टेंस R था, राइट। अब कह रहा है कि लेंथ दोगुना हो गया, कंडक्टर का लेंथ दोगुना हो गया, लेंथ L2 जो हो गया वो 2L हो गया, तो R2 का वैल्यू क्या होगा, R2 बराबर क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यहां R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। चलिए R1/R2, R1 का वैल्यू है क्लास R, R2 का वैल्यू नहीं पता, L1 का वैल्यू क्या है L, तो L स्क्वायर, L2 का वैल्यू क्या है क्लास 2L, तो 2L का स्क्वायर। तो यहां से R/R2 इज इक्वल टू क्या आया L² / 2L का स्क्वायर, तो 2 जाइए हो जाएगा 4L² L² से L² क्लास कट गया, क्या बचा यहां पर R/R2 इज इक्वल टू 1/4, R2 से 1 को गुना कर दीजिए, R2 से 1 गुना हो गया तो R2 हो गया, और 4 से R गुना हो गया तो 4R हो गया, यानी नया रेजिस्टेंस जो आया वो 4 गुना आया, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस निकालने का, लेंथ अगर चेंज करता है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है, तो इस परिस्थिति में नया निकालने का रेजिस्टेंस, नया निकालने का फॉर्मूला है R1/R2 इज इक्वल टू L1² / L2², अगर हम ऐसा कर देते हैं तो नया वाला रेजिस्टेंस हमारा निकल करके आ जाता है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला बस दिमाग में रखना है, सब्जेक्टिव रहे ऑब्जेक्टिव रहे इसी तरीके से बनाएंगे। एक और क्वेश्चन जानते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इफ दी
लेंथ ऑफ अ वायर इज हाफ्ड, आधा हो जाता है, आधा, देन फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस क्या होगा इसको फाइंड करना है। तो क्लास नया रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कॉपी पेन घुमाइए, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हैं तो आपको मिलता है फॉर्मूला वही था R1 by R2। तो पहले इसमें पता कर लेते हैं, लेंथ ऑफ अ वायर इज हाफ, लेंथ हाफ हुआ है तो पहले लेंथ L1 रहा होगा L, अब L2 जो हो गया वो आधा हो गया, इसका आधा हो गया, तो L का आधा हो गया मतलब L by 2 हो गया। अब क्या हुआ, पहले वाला रेजिस्टेंस R1 जो था वो R था, तो बोल रहा है कि नया वाला रेजिस्टेंस R2 का वैल्यू क्या होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, R1 by R2 बराबर L1 square by L2 square। तो हम R1 के जगह क्या रखेंगे, R रख दिए, R2 हमको निकालना है, L1 का स्क्वायर कह रहा है तो L स्क्वायर हो जाएगा, नीचे L2 कह रहा है तो L2 का वैल्यू है L by 2, तो ये L by 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे सॉल्व होगा, R by R2, R by R2 is equal to हो जाएगा L square upon ये L by 2 का स्क्वायर हो जाएगा L square by 2 to जा 4, तो R by R2 is equal to हो जाएगा क्लास L square by L square और नीचे का 4 ऊपर चला गया, L square से L square कट गया, तो R by R2 is equal to हुआ 4, R2 को उधर भेज दीजिए, 4 को इधर ले आइए, तो R by 4 is equal to R2, यानी नया वाला रेजिस्टेंस जो होगा पहले वाले रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि लेंथ डिक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी घट जा रहा है, और लेंथ इंक्रीज किया था तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज किया था, ठीक है। तो ये था डिपेंडेंस का पहला लेंथ के आधार पर। अब जानते हैं दूसरा डिपेंडेंस, इसको नोट कर लीजिए, बहुत सुंदर। तो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस में पहला जानिए कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले आपको हम समझा दें, जैसे ये कंडक्टर है तो क्लास ये कंडक्टर का यही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला भाग जो ये दिख रहा है, ये वाले भाग को कहते हैं जो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला भाग। तो ये पाई आर स्क्वायर से निकलता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को समझिए क्या होगा, ये तो सपोज करो कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R1 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। अब इसी कंडक्टर के साथ कुछ हुआ ऐसा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका चेंज हो गया, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 हो गया और रेजिस्टेंस जो है R2 हो गया इसका, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बताए हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए होता है, आर प्रोपोर्शनल टू वन बाई ए। तो यहां से जो फॉर्मूला निकलेगा आर वन बाई आर टू का क्लास, तो आर वन यहां है, ध्यान दीजिएगा आर वन यहां है तो ए वन यहां होना चाहिए नीचे में, तब ना आर प्रोपोर्शनल ए, तो ए वन यहां होना चाहिए, आर टू यहां है तो A2 ऊपर होना चाहिए यहां, तो R1 by R2 बराबर A2 का स्क्वायर by A1 का स्क्वायर, समझ गए, R2 by R1 बराबर A2 का स्क्वायर by A1 का स्क्वायर। यहां पे अगर क्वेश्चन किस तरह का आएगा, तो मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर दोगुना हो जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू टाइम्स हो जाता है,
तो क्या फर्क पड़ेगा कंडक्टर पे? यहां से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, अगर कहेगा कि रेडियस क्रॉस सेक्शन का रेडियस दोगुना हो गया, चार गुना हो गया, तो यहीं से एक और फॉर्मूला निकला। ये फॉर्मूला है पहला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसी डिपेंडेंस में। दूसरा यहां से क्या फॉर्मूला निकल सकता है क्लास, आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू एरिया टू बाई एरिया वन है, तो एरिया टू जो निकलेगा ये पाई आर टू, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर तो हो गया, बस उस एरिया का भी स्क्वायर कह रहा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाए, अपॉन नीचे ए वन कह रहा है तो पाई आर वन का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का फी स्क्वायर। ये समझ रहे होइएगा, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो अगर ए का स्क्वायर कहेगा तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो वही ए स्क्वायर कह रहा था, तो पाई आर टू का स्क्वायर पाई आर वन का स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहां से आर वन बाई आर टू बराबर क्या आएगा क्लास, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर और आर टू का स्क्वायर का स्क्वायर, तो टू टू जा फोर, तो ये हो जाएगा आर टू का पावर फोर बाई पाई स्क्वायर, फिर नीचे में ये हो जाएगा आर वन का पावर फोर, तो ये कट गया, तो यहां से बचा आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू आर टू का पावर फोर अपॉन आर वन का पावर फोर। ये दूसरा फॉर्मूला है, चलिए इसको नोट कीजिए क्लास। इसके आगे की चर्चा और इस पे क्वेश्चंस क्लास नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, नोट्स यहां से बना सकते हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो इसी का पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, वहां लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करेंगे आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लास।